ओए पिछले एपिसोड में आपने देखा येलो क्रिमिनल लॉस सेंटोस आता है डाकू आर्डम को बर्बाद करने के लिए, इसीलिए वो स्कल गैंग से हाथ मिला लेता है और प्लान बनाते हैं डाकू के बेटों को मारने का। डाकू का छोटा बेटा बच जाता है पर अफसोस बड़ा नहीं बच पाता। अब आगे ओए रे मारी बीवी ऊपर रो रही से, वो डर गए से कि घर पे इतनी सारी गाड़ियां और लोग क्यों आ गए से, वो बहुत डर गई से। हिपॉप बता के हो गया के जवाब दू से। बाबू मोसाई आपको कैसे बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सरकार, ऊपर से आपकी हालत भी बहुत नाजुक है, आपको सदमा लग सकता है। मन्ने जानना से क्रिमिनल, जो भी हो साफ साफ बता दो। अरे वो आज आपके बड़े बेटे पे हमला हुआ और अफसोस वो नहीं बच पाया। वो मन्ने डर था हिपॉप यो एक दिन जरूर होगा, पर ये कभी ना सोचा था कि मारे जीते जी होगा। मन्ने लगता था जब मैं मर जाऊंगा तभी ऐसा होगा, जब तक मैं जिंदा सू मारे बेटों को कोई हाथ भी ना लगा सकता। पर ये हो कैसे गया हिपॉप? बाबू मोसे में वही था, जब वो फोन पे किसी के साथ बहस कर रहा था मैंने पूछा भी कि कहाँ जा रहा है, पर उसने जवाब नहीं दिया और वो कार लेके चला गया। बाद में खबर मिली कि वो शहर के बाहर गया था और वहाँ पे कुछ गुंडों ने उस पे गोलियां बरसा दी। जो हो गया वो हो गया, मैं इसे बदल तो ना सकता पर बदला जरूर ले सकता सू। सही कहा कमांडर, बदला तो हम भी लेना चाहते हैं। पता लगाओ इसके पीछे कौन था, मारे मरने से पहले मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता सू। गाइस अब हम फ्री फायर कैरेक्टर्स के साथ रियल लाइफ में शॉर्ट्स बना रहे हैं, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, देख लेना बहुत बढ़िया है। अरे क्या बात है रे, तूने तो बहुत बढ़िया सिक्योरिटी रखी है खुद की, इतने सारे लोग चाहिए क्या तेरे को खुद की हिफाजत के लिए? अरे नया कमांडर जो बनना है मुझे भी ज्यादा आदमी लोग चाहिए होंगे। चल अच्छा है, मैंने डाकू के बड़े बेटे को टपका दिया है, तूने उसके छोटे बेटे को संभाल लिया ना? अरे नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोलंबिया से खबर आई कि वो बच गया और उसकी बीवी मारी गई। अबे ये क्या कर दिया रे, हमें एक ही टाइम पे उसके दोनों बेटों को मारना था रे, अब डाकू हमें ढूंढने निकल गया होगा। कोई ना, हम प्लान पे डटे रहेंगे, डाकू को मारने की तैयारी शुरू कर देंगे। नहीं रे, ये बात हुई थी कि पहले डाकू के दोनों बेटों को मारेंगे फिर डाकू पे हमला करेंगे, क्योंकि वो गुस्से में गलत फैसले लेगा। पर अब तो उसका छोटा बेटा सतर्क हो गया होगा और उसे मारना बहुत मुश्किल है। ठीक है फिर, फिलहाल प्लान में थोड़ा चेंज करते, अभी मैं आदमपुर चला जाता है, वही मैं सेफ रहेगा। नहीं, हमारी बात हुई थी कि तुम डाकू को मारो और कमांडर की गद्दी मैं संभालूंगा। हाँ पर ये भी बात हुई थी कि पहले उसके छोटे बेटे को मारेंगे, तो अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता। नहीं, तुम ऐसे बीच में छोड़ कर नहीं जा सकते। देख मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं सब छोड़ के जा रहा है, मैं वापस जरूर आएगा डाकू को मारने, पर जब सही टाइम होगा समझा, पर अभी मेरे को आदमपुर जाना ही पड़ेगा। आदम तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? मैं तो बच गया डॉन एंड्रयू, पर मेरी होने वाली बीवी मारी गई। पर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कैसे? हमारी कार में किसी ने बम लगा दिया था। मैं समझ गया ये किसका काम है। अरे ये क्या किया आपने डॉन एंड्रयू, इन दोनों को क्यों मार दिया? सिर्फ इन दोनों को ही पता रहता था कि कब तुम कहाँ रहते हो, इनमें से कोई एक हमारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ था और कार में बम लगा दिया। पर दोनों को क्यों मार दिया, गद्दार तो कोई एक ही था। यकीन करो आदम, मेरी जगह अगर तुम्हारे पापा होते तो वो भी यही करते। वैसे लॉस सैंटोस से कोई खबर आई? बहुत बुरी खबर है आदम, तुम्हारे भाई पे हमला हुआ था और वो मारा गया है। नहीं नहीं, मुझे अभी लॉस सैंटोस जाना ही पड़ेगा एंड्रयू, मुझे अभी लॉस सैंटोस जाना है। ठीक है फिर, मैं तुम्हें अभी लॉस सैंटोस पहुँचाने का बंदोबस्त करता हूँ। कमांडर हमारे कुछ खबरियों से मालूम पड़ा है कि आपके बेटे पे हमला किसने करवाया था। बताई पॉप कौन से वो कमीना जिसने मारे बेटे की जान ली? कमांडर आपके बेटे को मारने वाला और कोई नहीं, ये लो क्रिमिनल था। क्या वो हरामजादा यहाँ तक पहुँच गया, उसे सालों पहले ही मार देना चाहिए था हमें। ओ
रूस ने आपके छोटे बेटे पे भी हमला करवाया था कोलंबिया में, पर वो नाकाम रहा। डॉन एंड्री ने बताया है कि वो वापस आ रहा है। साला साफ पाल रखा था हिप हॉप, आज मन ने डस गया। कभी ना सोचा था कि वो इतनी नीच हरकत करेगा। कमांडर, उसे हम कहीं से भी निकाल के मार देंगे, बस वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए। कमांडर, और ये भी खबर मिली है कि वो अब तक लॉस सैंटोस में ही था और अब आदमपुर भागने वाला है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा। शर्म आती है मुझे उसे अपना भाई कहने में भी। अब इतना तो तय है कि मरेगा तो वो मेरे हाथों ही। क्रिमिनल मैं समझ सकता हूँ, मैंने उसे अब तक इसीलिए जिंदा छोड़ा था क्योंकि जो भी हो वो तारा भाई था, पर अब उसने हद पार कर दी से। तो बताइए कमांडर, अब क्या करना है? आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। उसे मैं खुद मारना चाहता हूँ अपने हाथों से। तो तुम जाओ उसके सारे आदमियों को मार दो और येल्लो क्रिमिनल को जिंदा मारे पास ले आओ। जी सरकार, उसे हम कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे, वो लॉस सैंटोस से बाहर नहीं निकल पाएगा। एक बात बता बड़ू क्रिमिनल, वो भगोड़ा कहाँ से भागने वाला होगा? अरे बाबा, जाने के दो रास्ते, एक पानी का रास्ता और प्लेन से। अगर पानी के रास्ते जाएगा तो 15-20 दिन लग जाएंगे आदमपुर पहुँचने में। इसका मतलब पक्का वो प्लेन से ही जाने वाला होगा। और मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि 30-35 बंदों ने कार्गो प्लेन बुक करवाया है, तो पक्का वही चोगे। अरे बात सुनो रे मेरी, आधे बंदे इसमें आएंगे और आधे बंदे दूसरे प्लेन में आएंगे, समझ गए? बॉस ऐसा किस लिए? अबे येड़े, क्योंकि इस कार्गो प्लेन में मेरा थोड़ा सा सामान आएगा। पीटर के लिए 2-3 गाड़ी ले जा रहा मैं, तो समझ गए ना सब लोग? हाँ चलो, जाने की तैयारी करो आदमपुर। अरे बाबा, तू हमें यहाँ पर काय को ले आया? गेट से भी तो जा सकते थे ना। थोड़ा दिमाग लगा ब्लू क्रिमिनल, अगर गेट से जाते तो वहाँ उस येलो क्रिमिनल के आदमी होते और उसे पता चल जाता कि हम आए हैं पकड़ने, इसलिए हमें यहीं से जाना होगा। चलो सब लोग। ठीक है रे बाबा, मस्त प्लान है, चलो। अच्छा तो सब लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं? पर मैं भागने नहीं दूंगा रे बाबा। साला अपनी पूरी गैंग लेकर आया था सरकार को मारने के लिए। चलो रे बाबा जल्दी से दूसरे वाले प्लेन में सब लोग। अबे यो येड़ो, अपन ऊपर जा रहा है कॉकपिट में, यहाँ सब चीज का ध्यान रखना, समझ गए रे? जी बॉस, हम समझ गए, पूरा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ तो कौन ही आएगा बॉस? चलो यही मौका है, सब लोग घुस जाओ, इससे पहले कि प्लेन टेक ऑफ करे हम अंदर सड़े जाएंगे। अब सिर्फ बस में आदमपुर पहुँच जाऊँ, फिर 200 लोग लेकर आएगा अपन डाकू को मारने के लिए। अरे क्रिमिनल, मेरे को एक बात बता रहे बाबा, यहाँ अंदर तो उसके कितने सारे आदमी है, सबको कैसे मारेंगे? एक काम करते, सभी को भून डालते गोलियों से। नहीं बेवकूफ, प्लेन में गोली नहीं सड़ा सकते, अगर एक भी शेड हो गया तो प्लेन क्रैश हो सकता है। हमें इन्हें एक एक करके अपने हाथों से ही मारना पड़ेगा, साकू वगैरह से। मैं आगे जाता हूँ, तुम सब मेरे पीछे पीछे आना बस। ठीक है रे बाबा, चलो खत्म कर देते। आराम जाडो, हमारे सरकार को मारने आए थे यहाँ पे। क्रिमिनल आराम से, आगे उसके बहुत आदमी है, अगर उनको मालूम पड़ गया तो वो सतर्क हो जाएंगे। अरे ये ब्लास्ट कैसे हो गया? सब लोग जल्दी से सुब जाओ, वो लोग आते ही होंगे। अरे ये क्या, ये आवाज कैसी थी? लगता है पीछे कुछ गड़बड़ है, हमें जाके देखना पड़ेगा। कोई आवाज मत करना, उसका एक बंदा आ रहा है। एक सेकंड, ये क्या, बॉस की फेवरेट कार जल गई और यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये कैसे हो गया? अरे क्या हुआ रे, जवाब दे, क्या हुआ? अफसोस, वो जवाब देने के लिए जिंदा नहीं रहेगा, और तुम भी। साला ये कैसी आवाज आ रही है नीचे से, देखना पड़ेगा। एक काम दिया था वो भी नहीं कर सकते। अरे ये देखो, दगाबाज येलो क्रिमिनल आ गए, स्वागत करो इनका। अबे तुम लोग अंदर कैसे घुस आए रे, मारो रे इनको, मार दो, चारों को मार दो। अफसोस, तेरा कोई भी आदमी जिंदा नहीं है हमें मारने के लिए, गद्दार कही के। तुम लोग तो आज भी उस डाकू के चमचे बने बैठे हो, तुम लोगों को जानता कौन है रे मार्केट में? हाँ, और तूने क्या किया? 100 रुपयों के लिए अपने सरकार से गद्दारी कर ली और दुश्मन से हाथ मिला लिया। हम लोग भाई हुआ करते थे, पर तूने गद्दारी कर दी। 30 सालों से इंतजार कर रहा हूँ बदला लेने के लिए मैं।
अच्छा तो क्या करता मैं, मेरे को तुम लोगों की तरह उसका चमचा बन के नहीं रहना था रे। बहुत हो गई रे तेरी बकवास, चुपचाप हमारे साथ चल। वो तो कभी नहीं होगा रे, मैं नहीं आने वाला तुम लोगों के साथ। अरे भाग रहा है, पकड़ो साले को। रुक जा वरना मजबूरन तेरे पे गोली चलानी पड़ेगी। अरे गोली मत चलाना रे, अपन बात करते ना क्रिमिनल। मन करता है तुझे यही मार दूं, पर सरकार ने तुझे जिंदा लाने को बोला है। बहुत गलत किया रे बाबा तूने, बहुत गलत किया। नहीं गोली मत चलाना रे, अपन आता है ना तेरे साथ, और एक राज की बात बताता है। प्लेन में सिर्फ 3 ही पैराशूट है और एक अपन के पास है। अरे ये क्या, ये तो कूद गया। अपन इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाला। अरे क्रिमिनल हमको भी कूदना पड़ेगा रे, वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। सही कहा तुमने, पर पैराशूट तो सिर्फ 2 ही है। अरे तो एक काम कर, तू और ग्रीन क्रिमिनल लेके चले जाओ, हम यहाँ रहते कुछ करते नहीं। एक काम कर, तू और ग्रीन क्रिमिनल तुम दोनों जाओ, मैं और पर्पल क्रिमिनल कुछ जुगाड़ करते हैं। अरे हम कैसे जा सकते हैं बाबा तुम लोग को छोड़कर। अरे मैंने बोला ना ब्लू क्रिमिनल, जा टाइम नहीं है हमारे पास, कूद जाओ। पर क्रिमिनल अब हमारे पास एक ही रास्ता है, चला मेरे साथ। ये लो सही सलामत पहुंच गए नीचे। के हुआ भाई, येलो क्रिमिनल कहां से कहीं दिखाई ना दे रिया। सरकार एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, हमने उसके सारे आदमियों को तो मार दिया, पर वो साला पैराशूट लेके कूद गया। पर अच्छी बात ये है कि वो लॉस सेंटोस से भाग नहीं पाया, वो यही पे ही है। अच्छा और रेड क्रिमिनल कहां से, वो कहीं दिखाई ना दे रिया। सरकार फिर प्लेन में 2 ही पैराशूट बचे थे, तो रेड क्रिमिनल ने हमको दे दिया और हम कूद गए। बाद में मालूम नहीं क्या हुआ, वो शायद ना बच पाए हो। ऐसा कभी ना हो सकता, क्रिमिनल ऐसे ना मर सकता भाई। सही कहा सरकार, येलो क्रिमिनल को मारे बिना मैं कैसे मर सकता हूँ। अरे अच्छा है रे तू जिंदा है, कैसे निकले तुम। एक कार बसी थी ब्लू क्रिमिनल और उसमें पैराशूट था, तो हम बस गए। वो सारा लॉस सेंटोस में ही से अपने सारे आदमी ले जाओ और ढूंढो, आज ही उसे खत्म करना से।